good morning class 7th hope all are you doing well at your home now it's your english class time and today we will start your third chapter that is pip amazes himself pip ne kutko Ascharit kia open page number 26 when i reached home my sister was very curious to know all about miss havisham's and asked a number of questions जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बहन मिसेस हैविशम्स के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थी और उसने बहुत सारे सवाल पूछे एंड आई फाउंड माई सेल्फ गेटिंग हैवीली बम्प्ड फ्रॉम बिहाइंड इन द नैप ऑफ द नेक एंड स्मॉल ऑफ द बैक बिकॉज आई डिड नॉट आंसर दोज क्वेश्चन एट सफिशंट लेंथ मैं खुद को किसी मतलब ऐसे पीठ और गर्दन के बीच में फंसा हुआ पा रहा था क्योंकि मैं उसकी बातों के जो हैं वो उपयुक्त जवाब नहीं दे पा रहा था द वर्स्ट ऑफ इट वॉज दैट बुलिंग ओल्ड पिम्बल डिवोर्ड बाय अ क्रॉस्टिट इनफॉर्म्ड ऑफ ऑल आई हैड सीन एंड हेयड केम ओवर अ टी टाइम टू हेयर ऑल द डिटेल्स ऊपर से वो जो पिम्पलॉक का गुस्सा और उसकी जो हीन भावना उसको और जो दयालुता थी उसको और ज़्यादा डरा देती है वेल बॉय अंकल पिम्पलॉक बिगेन हाउ डिड यू गेट अप ऑन टाउन सबसे पहले वो पूछते हैं तुम कहाँ से आए कैसे आए तो वो जवाब देता है प्रीटी वेल सर सही है तो मेरी बहन मुझे आश्चर्य से देखने लगती है प्रिटीवेल मिस्टर पिम्बलोक रिपीट प्रिटीवेल इज़ नो आंसर बॉय वट डिड मिस हैविशम लुक लाइक तो वो कहते हैं कि प्रिटीवेल well इस बात का कोई जवाब नहीं है अच्छा तुम तो मुझे अब बताओ कि जो मिसिज हेविशम्स हैं वो कैसी दिखती हैं तो उन्होंने कहा वेरी टॉल एंड डार्क आई टोल्ड हिम मैंने कहा बहुत काली और लंबी इज शी अंकल लास्ट माई सिस्टर अंकल ने मेरी बहन की तरफ पूछा और पूछा क्या ये सही है तो उसने भी हाँ कर दिया फ्रॉम विच फन वंस इन फेयर दैट ही हैड नेवर सीन मिसिज हैविशम फॉर शी वॉज नथिंग टू द काइंड तो अब वो समझ गया था कि इन्होंने हैविशम्स को कभी नहीं देखा था जो उन्होंने इसकी बात पर भरोसा कर लिया गुड नाउ बॉय वट वॉज शी डूइंग वेन यू वेंट इन टूडे आस्क मिस्टर पिम्बलॉक शी वॉज सिटिंग इन अ ब्लैक वेलवेट कोच आई आंसर फिर अगला सवाल उससे पूछा गया कि जब तुम गए तो वो क्या कर रही थी तो इसने जवाब दिया कि वह काले रंग के वेलवेट के जो सोफे के ऊपर बैठी थी माई सिस्टर एंड मिस्टर पमक स्टार्टेड एट वन एन अदर स्टेय एट वन एन अदर एंड बोथ रिपीटेड इन अ ब्लैक वेलवेट कोच फिर मेरी बहन और जो अंकल थे उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और पूछा कि काले सोफे पर यह yes, सेड and Mr. Estella, that's her niece. I think handed her in a cake and wine at the coach window on a gold plate. And I got up behind the coach to eat mine because she told me to. और तो फिर कहता है कि उनकी जो नीस थी उन्होंने उसको सोने की प्लेट में एक केक और शराब दी और मैं उसके पीछे भी आ, सोफे के पीछे हो गया उसको खाने के लिए नील्स दे उन्होंने पूछा कि क्या कोई और था फोर डॉग्स मैंने कहा चार कुत्ते थे उन्होंने पूछा बड़े के छोटे एंड देर अल कटलेट्स आउटर अल्वर बास्कट तो मैंने कहा कि वह चांदी की बास्किट में कटलेट्स पड़े हुए उनके लिए लड़ रहे थे स्टेड एड वन अगेन इट्स अटल अमेजमेंट आई वॉज परफेक्टली फ्रेंटिक रॉकलेस अंडर दफ टॉर्चर एंड वुड हैव टोल्ड दैम एनी थिंग क्योंकि वो खुद भी उनसे नहीं मिला था तो जो उसके दिल में आ रहा था वो बता रहा था तो वो कहते हैं कि बहुत अच्छा है मतलब परफेक्टली वेयर वॉज दिस कोच मेरी बहन ने पूछा वो कोच कहाँ था इज मिस रूम दे स्टेड अगेन बट दे वॉन्ट एनी होर्सिस टू इट कैन इट इज़ पॉसिबल अंकल आस्ट मिस्टर जो तो वो पूछते हैं कि ऐसा कभी हो सकता है I tell you," said Mr. Bumble. "My opinion is it is sedan chair. She is flightly, you know. Did you ever see her in it, Uncle? How could I answer? Forced to admit that he had never seen her in his life. He had only spoken to her from behind a door." तो वो कहते हैं कि तुमने ये देखा वो देखा लेकिन वो कैसे बताए कि वो तो उनसे मिला ही नहीं उसने एक दरवाजे के पीछे खड़े होकर सिर्फ उससे बात करी थी तो लिसन बॉय ही सेड टर्निंग टू मी यू वेंट देयर टू प्ले व्हाट डिड यू प्ले एट तुम वहाँ खेलने गए थे तुमने क्या खेला तो वो कहता है कि हम झंडों के साथ खेले हमने जो बहुत सारे फ्लैग्स थे वो लहराए हमने तलवारें भी उठाई स्वॉर्ड्स भी लिए और हमने ये सब खेला वहाँ पे आउट ऑफ अ कहता है कि तुम्हें तलवारें कहाँ से मिली आउट ऑफ अ कप बोर्ड आई सौ पिस्टल्स इन इट एंड जैम एंड पिल्स एंड देर वॉज नो डे लाइट इन द रूम बट इट वॉज ऑल लाइटेड विद कैंडल्स कहता है कि एक अलमारी से उसमें और भी बहुत चीज़ें थी और उसमें वहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी सारी जो रोशनी थी वो मोमबत्तियों के द्वारा की गई थी द बोथ स्टेयरड एट मी एंड आई वॉज इनोसेंट लुक स्टेयर्ड एट दैम कि उन दोनों ने मेरी तरफ घूरा लेकिन मैं बहुत मासूम सी शक्ल बना के उनकी तरफ देखता रहा इफ दे आस्ड मी एनी मोर क्वेश्चन आई वुड अन डाउटली हैव बिटवीड माई सेल्फ बट जो माई सिस्टर्स हजबैंड केम इन एट दैट टाइम सेव मी फॉर स्पीकिंग मोर लाइज अगर वो मुझसे और क्वेश्चन पूछते तो शायद मैं अब फंस जाता तो इतने में मेरी बहन का पति जो जो था वो वहाँ पर आ गया और उसने मुझे बचा लिया और झूठ बोलने से वैन आई सॉ जो ओपन इज ब्लू आईज एंड रोल दैम ऑल अराउंड द किचन इज अमेजमेंट आई वॉज ओवरटेकन बाई शेम बट द शेम वॉज ओनली एज रिगार्डलेस हिम

तो उसने कहा कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ देन टेल अस पिप वट इज़ इट तो वो कहता है कि हाँ बताओ पिप तुम क्या कहना चाहते हो तो वो कहता है कि डू यू रिमेंबर ऑल आई सेड अबाउट मिसिज हैविशन इट इज़ अ टेरिबल थिंग इट्स एज एन ट्रू वो कहता है कि जो भी मैंने हेविशन के बारे में बताया वो सच नहीं था वट आर यू टेलिंग मी क्राइड जो फॉलिंग बैक इन द ग्रेटेस्ट अमेजमेंट येस आई डू इट लाइज जो कहते हैं क्या तुम ये क्या कह रहे हो कहता हाँ मैं सच कह रहा हूँ मैंने जो कुछ भी बताया वो सब झूठ था ऑफुल बट पोज्राइड जो तो वो कहता uh, sure, तो है कि तुमने ऐसा क्यों किया आई डोंट नो वट प्रोजेस्ट मी जो मिस है लाइज हैड कम ऑफ इट देर वन थिंग यू मे बी श्योर पे नेमली दैट लाइज इज लाइज डोंट यू टेल एनी मोर ऑफ दैम तो वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया कहता है कि जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी से सलूक किया तो इसीलिए मैंने सब झूठ बोले Uh, तो वो कहता है कि यू आर नॉट एंग्री विद मी जो तो वो जो से पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो नो ओल्ड चैप गो अप अपेस टू बेड एंड प्रे नेवर टू डू इट एनी मोर वो उसे कहता है कि जाओ और भगवान से माफ़ी मांगो और कहो कि आज के बाद कभी ऐसा नहीं करोगे वैन आई गो टू माई रूम एंड सेट माई प्रेयर आई डिड नॉट फॉर गट जोज एडवाइस दैट वॉज अ मेमोरेबल डे टू मी फॉर इट मी ग्रेट changes इन मी तो फिर जब मैं अपने कमरे में गया तो मैंने सीखा कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए फालतू में ये मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ी सीख थी तो ये बेसिकली क्या है बेटा एक extract एक novel में से लिया गया Great ग्रेट एक्सपेक्टेशं नाम का एक नॉवल है उसमें से एक छोटी सी स्टोरी ली गई है तो दिस इज़ ऑल अबाउट जस्ट अ पार्ट ऑफ़ द नावल ये एक नावल की एक छोटा सा हिस्सा है जिसका मॉरल है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन ओके